बताइए हमने कितनी बार आपसे कहा कि तिलक लगाया करो, कहा है कि नहीं? कितनी बार? बहुत से चेले हैं जो हमारी बात को मानते हैं और बहुत माथे पे पूरा तिलक लगाते हैं, पर बहुत से चेले हैं जो सिर्फ सुनते हैं। सिर्फ चेले क्यों, कोई भी सुनते हैं, फॉलोअप नहीं करते हैं। ये जो माथे पे तिलक है ना, अगर मरते समय चंदन रहा तो यमराज के दूध तुम्हारा हाथ, तुमको हाथ नहीं लगा सकते। ये साधारण नहीं है। अगर माथे पे चंदन लगा है तुम्हारे और तुम्हारे प्राण, और अच्छा फिर तो ये कहोगे बुढ़ापे में ही लगा लेंगे, अब तमाम एक्सीडेंट होते हैं, कौन जाने कब क्या हो जाए, कौन जाने। आजकल तो जवानों को अटैक पड़ रहा है, पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है बताओ? जवानों ने अटैक पर रो कि ना पर रो? ना पर रो तो ना ही कर दे, पर रो है ना तो तिलक लगा के रखो, जवानी में मरो या बुढ़ापे में कोई टेंशन नहीं। तुलसी गले में धारण करके रखो। जो मनुष्य तुलसी धारण करता है, अगर प्राण निकलते समय तुलसी उसके अंग पर है, आई प्रोमिस यू एज फॉर एज माई नॉलेज आई टेल यू, अगर आपने तुलसी पहनी हुई है तो आप नरक नहीं जा सकते, आप नरक में नहीं जाएंगे। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि चलो फिर तो तुलसी पहन लेते हैं, मर जाएंगे तो नरक जाएंगे नहीं, बाकी का सब काम करेंगे ना। तुलसी पहनने की मर्यादा भी है, फिर लहसुन प्याज भी नहीं खाना, समझ गए? फिर लहसुन प्याज भी नहीं खाना, तुलसी अगर धारण कर ली। अब बहुत से लोग कहते हैं चलो, अच्छा ये भी भ्रम बहुत है, बहुत से लोग तो ये कहते हैं अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं रुद्राक्ष पहन लो फिर ठीक है, ये तुलसी ठीक नहीं है, रुद्राक्ष पहन के कुछ भी खा सकते हो। वाह जी वाह, कहां से लाई ये ज्ञान भाई, ये ज्ञान कहां से उठा लाई तुम? जो जो नियम तुलसी धारण करने के हैं, वही वही नियम रुद्राक्ष धारण करने के हैं। और जो मुक्ति तुलसी देगी, वही मुक्ति रुद्राक्ष भी देगा। एक और बात बताएं, इतने मुखी रुद्राक्ष मिल जाते तो हरिद्वार में जाओ तमाम मुखी मुखी बैठे, और असली मिलेगा कि नहीं पता नहीं। तुलसी की फुल गारंटी असली होगी तुम ही जानते हो, कहीं नहीं कर सकते। तो अपने घर में तुलसी उगाओ, सूख जाए उसी की कंठी बनाओ, धारण कर लो। कंठी भी ना बना सको तो तुलसी की एक वो समिधा अपने गले में बांध लो, हो गया काम। तुम्हें तो पता है वो असली है। रुद्राक्ष बड़ी मुश्किल से मिलता है असली, पर तुलसी तो इजिली मिल जाती है असली। अच्छा बताओ, तुलसी पहननी है, तिलक लगाना है, और भगवान को हम लोग तो युगल मंत्री जपते, राधे कृष्ण है, तो कृष्ण आ गया कि नहीं? तो कृष्ण जब आ गए, पर अकेले कृष्ण को नहीं जपते, राधे कृष्ण सर्वेश्वरी राधा रानी के संग जाप करते। तो अब अगर हम चंदन लगाएं, तिलक लगाएं, तुलसी धारण करें और युगल मंत्र जाप करें, कितने पैसे खर्च हुए इसमें? साल भर के तिलक का खर्चा अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे नहीं लगता 100 रुपए भी होगा, साल भर के तिलक का खर्चा, जिसमें चंदन भी है और श्याम बिंदी भी है। और तुलसी का खर्चा मुझे तो चेला दे जाते हैं, तुम अपनी देखो भाई। ज्यादा ज्यादा तुलसी, महंगी से महंगी तुलसी ले लोगे, अच्छी मतलब 2-3 बार घूम जाए तुम्हारे गले में, 100-200 रुपए की, 300 की आ जाएगी, और वो 2-3 साल निकल जाएंगी आराम से, निकल जाएंगी कि नहीं? तो पर ईयर कितने की पड़ी? 100 रुपए की। तो 200 रुपए पर मंथ, पर ईयर या पर मंथ जो भी, तुम अपनी मुक्ति पे खर्च नहीं कर सकते। करना चाहिए, मुक्ति बहुत सरल है, पर मुक्ति का विचार मन में आना यह बहुत कठिन है। आप अपने मन में यह विचार लाओ कि इसी जन्म में मुझको उतरना है, मरना नहीं है। अच्छा एकदम से यह सब संभव नहीं होगा, हमने पहले भी बोला है कि जब प्राण निकलने वाले हों तो वैसे तो हमेशा तैयार रहना चाहिए कि भैया चलो ठीक है, ठाकुर जी जो लीला करेंगे वो सब सही है,
तो यमराज भगवान ने बात कही है, कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए तिलक कभी हटे ना, तुलसी धारण करते रहना और भगवान का नाम मुख से निकलते रहना चाहिए। ये सरल उपाय है नरक में जाने से बचने के लिए, नरक से बचने के लिए सरल उपाय है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो।